वेलकम टू दिस व्लॉग। मैं हूं सचिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एस सेलर। सो आज की वीडियो में मैं आपको तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट के बारे में और उसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहा हूं। सो 2020 के बैच अगस्त और जुलाई के एडमिशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। इफ यू वांट टू गेट एडमिशन तोलानी मैरिटाइम, सो यू कैन फिल अप दैट फॉर्म। सो लेट मी टेल यू ऑल द स्टेप्स फॉर ज्वाइन तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट विदाउट एनी डिले। सो गाइस, आवर फर्स्ट स्टेप इज एडमिशन प्रोसीजर। सो तोलानी में एडमिशन लेने के लिए आपको तोलानी की ऑफिशियली वेबसाइट www.tmi.tolani.edu पे जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा रहा है, कहीं से भी जाके आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद आपको एडमिशन 2020 लिखा मिलेगा। वहां पे क्लिक करने के बाद बीटेक मरीन इंजीनियर और बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए अलग फॉर्म निकलेगा। तो डीएनएस है डिप्लोमा नॉटिकल साइंस वाले, उनके लिए अलग फॉर्म है। जिस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा फॉर्मेट आ जाएगा एडमिशन फॉर्म का, वो आपको पुटअप करना है। इसकी जो फीस है वो 200 रुपीज। सो गाइज, आवर सेकेंड स्टेप इज रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। सो एडमिशन फॉर्म जो निकला है तोलानी का, उसको भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, देन 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपकी बर्थ सर्टिफिकेट के बाद पासपोर्ट। पासपोर्ट इज मैंडेटरी अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉलेज में मर्चेंट नेवी के लिए एडमिशन ले रहे हैं, उसके लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है। जब भी आप एडमिशन के लिए जाओगे आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा, तो एक हफ्ते में पासपोर्ट बन जाता है। पहले पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट बनवा लें, उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं आप किसी भी मैरिटाइम कॉलेज में। सो गाइस, आवर थर्ड स्टेप इज एडमिशन फॉर्म। ये जो आप स्क्रीन पे फॉर्म देख रहे हैं ये डीएनएस के लिए फॉर्म है। ऐसी फॉर्म आपको बीटेक मरीन इंजीनियर के लिए और बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए मिलेगा। ये वाला जो है वो डीएनएस के लिए है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल पुटअप करनी है, लाइक आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सब डिटेल्स पुटअप करनी है। देन उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक डिटेल पुटअप करनी है, आपने कहाँ से 10th की है, कहाँ से 12th की है, वहाँ का एड्रेस एंड ऑल, ये सब पुटअप करनी है। देन उसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जितनी परसेंटेज आई है उनमें अलग अलग सब में 60% चाहिए, तो उसकी परसेंटेज लिखनी है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, ये सब परसेंटेज पुटअप करनी है। उसके बाद ओवरऑल जितनी आपकी परसेंटेज बनी है 12th क्लास में या 10th क्लास में वो सब यहाँ पे डालना है। उसके बाद जब नीचे आओगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक व्हाई डू यू विश टू ज्वाइन टीएमआई, देन आपका स्ट्रेंथ क्या है, देन आपकी वीकनेस क्या है, देन आपकी हॉबीज क्या है, ये सब क्वेश्चन के आपको अपने हिसाब से आंसर देने हैं। उसके बाद जब आप और नीचे आओगे देन आपसे पूछा गया है कि आप ये जो कोर्स कर रहे हैं लाइक डीएनएस कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, ये आप अपने ऑन सोर्सेज से कर रहे हैं या फिर आप बैंक लोन लेके कर रहे हैं। तो अगर आपको बैंक लोन भी लेना है तो इन्होंने नीचे वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां से भी आप लोन फैसिलिटीज पा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने ओरिजिनल 10th की 12th की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी है, आपकी फोटो जो रहेंगी वो आपको अपलोड करनी है, देन आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको अपलोड करना है, ये सारी चीजें आपको स्कैन करके अपलोड। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको आईडी नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो आप अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए राइट डाउन कर सकते हैं। अगले लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन भी पोस्ट करना होता है तोलानी मैरिटाइम के एड्रेस पे। सो आपको जस्ट सिंपली करना क्या है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका हार्ड कॉपी निकालना है। हार्ड कॉपी निकालने के बाद आपको एनवेलप लेना है। एनवेलप के ऊपर जो आपका आईडी नंबर को ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आईडी नंबर मिला था वो आईडी नंबर लिखना है। देन आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम लिखना है। उसके बाद एनवेलप के अंदर जो डॉक्यूमेंट डालने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 10th की सर्टिफिकेट डालनी है, 12th की सर्टिफिकेट डालनी है, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट डालनी है, 3 पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, पासपोर्ट साइज फोटो के पीछे आईडी नंबर लिखा होना चाहिए। देन आपके पास कोई अगर रेफरेंस है, किसी का भी रेफरेंस लगा रहे हैं तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तो उसका लेटर वगैरह लिखवा के साइन स्टैम्प वगैरह लेके वो अटैच करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट है या फिर आपने कोई भी स्कूल टाइम में किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है और उसकी आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट डालने के बाद एनवेलप को आपको तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट के एड्रेस पे पोस्ट करना है। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट की ऑफिशियली वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। टीएमआई का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो आपकी पीसीएम की परसेंटेज, सीटी की परफॉर्मेंस और आईएमयूसीटी की रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा।
जो सीटी कंडक्ट किया जाएगा, मई के हाफ में आपका कंडक्ट किया जाएगा। लोकेशन के लिए आप अपनी नियर बाय सिटी चूज कर सकते हैं फॉर्म भरते समय, वहां पे जाके आपको एग्जाम देना है। एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो आपका 10+2 लेवल का रहेगा, लाइक फिजिक्स आएगी, मैथ आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी। का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा आपका कंप्यूटर पे, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और उसके लिए 90 मिनट आपको दिया जाएगा। एक बात और, आपका फिजिक्स और मैथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो केयरफुली आपको एग्जाम देना है। उसी दिन आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, मैच्योरिटी लेवल और रीजनिंग एबिलिटी देखी जाएगी। उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको मेडिकल एग्जाम के लिए बुला लिया जाएगा। तो तोलानी मैरीटाइम की जो टोटल सीट्स हैं वो 360 सीट हैं, उनमें से बीटेक मरीन इंजीनियर के लिए 140 सीट्स हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस वालों के लिए 60 सीट्स हैं और डीएनएस डिप्लोमा नॉटिकल साइंस वालों के लिए 120 सीट्स हैं और लेफ्ट 40 सीट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए है। तो तोलन में टाइम का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ। अराउंड जो बीटेक मरीन इंजीनियर वाले होते हैं उनका अराउंड 17 to 18 लाख तक जाता है 4 साल का। देन बीएससी नॉटिकल साइंस वालों का 3 साल का जो कोर्स है उसके लिए आपका अराउंड 7 लाख समथिंग स्पेंड हो जाता है। देन जो डीएनएस वाले हैं उनका 4,45,000 समथिंग स्पेंड हो जाता है 1 साल के लिए। सो गाइस, जो ये फीस रहेगी वो आपको हर एक सेमेस्टर की बिगनिंग में पे करनी रहेगी। अगर आपकी फीस डिले होती है तो मैनेजमेंट के द्वारा नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है। जो तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की गर्ल्स स्टूडेंट रहेंगी, जिन्होंने गर्ल्स ने भी एडमिशन लिया है तोलानी में, उनको जो ट्यूशन फीस रहेगी, जो एक्चुअल ट्यूशन फीस है उसका 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। टीएमआई के जो भी प्रोग्राम है वो एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से स्पॉन्सर्ड है। अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो आप इन सब बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। तोलानी का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, लाइक हर एक स्टूडेंट को वहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाती है। एक बात और मैं बता दूँ, अगर किसी भी अच्छी कंपनी के द्वारा आपको सिलेक्टेड होना है तो आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। लाइक जो भी आपका बीएससी नॉटिकल साइंस के एग्जाम होंगे, डीएनएस के, बीटेक के, जो फाइनल एग्जाम रहेंगे उसको आप, उसमें आपको अच्छी परसेंटेज लेनी है, लाइक 80 अबव 90 अबव अगर लोगे तो किसी अच्छी कंपनी में सिलेक्टेड हो जाओगे। मोस्टली यहाँ पे जो कंपनी आती है उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। BW आती है, डोकंडेल आती है, मस्क, MSC, फ्लीट, MTM, NYK, नोट्रांस, एंग्लो, स्कॉर्पियो, स्टेना, TK, तोलानी और टॉम, और भी 3-4 शिपिंग कंपनीज आती हैं। तो मोस्टली सब बंदों को प्लेसमेंट मिल जाती है। मेरी एक सजेशन है, जब भी आप कैंपस में रहोगे, जो DNS वाले हैं उनको 1 साल का हार्ड वर्क करना है, एससी वालों को 3 साल का करना है, बीटेक वालों को 4 साल का करना है। अगर हार्ड वर्क कर लोगे, अगर अच्छी परसेंटेज ले आओगे तो आप अच्छी कंपनी के द्वारा सिलेक्टेड हो जाओगे, मस्क के द्वारा, मेस्सी के द्वारा, तो आपकी लाइफ सेट है। मर्चेंट न्यूज ज्वाइन करनी है, किसी के फ्रेंड को मर्चेंट न्यूज ज्वाइन करनी है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। एंड बाकी सभी इंस्टीट्यूट के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उनका भी फॉर्म आ चुका है, एंग्लो का, IMI का, समुद्रा का, तो कैसे फिलअप करना है, उनका कितनी सीट्स वगैरह है, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। And if you have any doubt related to this video, you can DM me on my Instagram. And thank you so much for watching this vlog. Happy sailing, bon voyage, jai mata di.